I welcome all of you on Yourpedia, and you know, the date for the exam of Environment Engineer by NTPC has come. हम लोगों ने NTPC में जो Environment Engineers की positions निकली थी 20 positions, we told you long back that they are very good jobs in NTPC and आप इसको easily crack कर सकते हैं because competition कम होगा और students कम हैं जो इस exam को लिखने वाले हैं और NTPC में enter करने का एक अच्छा तरीका है ये. Through this you can enter into NTPC. अब syllabus उन्होंने दे दिया है जो हमने आपको पहले भी बता दी था syllabus क्या होने वाला है, लेकिन अब NTPC ने वही syllabus आपको दे भी दिया है and the date for the exam has also come. So let me take you to that particular date of NTPC. If you see on their notice board, you will find that the date is on 11th of August. तो अगले मंथ 11th को एग्ज़ाम है. मेरे को लगता है कि सफिशिएंट टाइम है, आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. एनवायरनमेंट साइंस का ही सारे का सारा सिलेबस गेट वाला एनटीपीसी ने दिया है एंड यू पीपल ऑलरेडी नो दैट योरपीडिया बहुत पहले से एनवायरनमेंट साइंस का सिलेबस, एनवायरनमेंट साइंस गेट का जो है वो मॉड्यूल ऑफर करता है एंड बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड मॉड्यूल है ये. मेरे को लगता है अगर आप 20-25 दिन इसकी अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आपका ये इंटरव्यू कॉल यहाँ से आ जाएगा एंड फिर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. कंपटीशन सच में ही कम है जहाँ पे आप एनटीपीसी वगैरह में अदरवाइज कम्पीट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे महारत्ना कंपनी में एंटर करना. इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू इट कैन बी ईजिली यू कैन गेट इट. सो अगर आपने ये फॉर्म भरा है फ्रेंड्स, आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, 11 अगस्त तक के लिए आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, आई एम वेरी श्योर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ये जो एडवर्टाइजमेंट आई थी इसका 11 अगस्त को इन्होंने डेट रखा हुआ है और साथ में इन्होंने सिलेबस भी दिया है एनटीपीसी में. ये सिलेबस है जो मैंने आपको पहले बताया कि सिलेबस पूरे का पूरा आपका एनवायरनमेंट साइंस का सिलेबस है. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का ये दे रखा है पूरे का पूरा इन्होंने सिलेबस. सो 70 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा और उसके बाद ऑब्वियसली एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, वेस्ट वाटर एंड एनवायरनमेंट हाइड्रोलिक्स वाटर रिसोर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एप्टीट्यूड पेपर दैट इज पार्ट बी. 50 क्वेश्चंस फॉर दैट. तो पार्ट ए पार्ट बी में बटा हुआ है पूरे का पूरा सिलेबस. सो जो पार्ट ए है उसमें 70 क्वेश्चन, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन. सो एप्टीट्यूड का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है तो मेरे को लगता है इस एग्जाम को निकाला जा सकता है. अच्छे तरीके से तैयारी करो. यूरपीडीए ने आपको पूरे का पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है, उसको रिविजन करोगे तो निकल जाएगा. उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ टाइम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ईजिली एंट्री है इसके अंदर बट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को भरा है. तो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, तैयारी स्टार्ट करो योरपीडिया के साथ. हमारा एक एनवायरनमेंट का डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल एंड डेडिकेटेड मॉड्यूल है सारे का सारा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.